अयोध्या मंदिर में सफाई करने वाली बीए की छात्रा के साथ रेप के मामले पर सपा के नेता ने दुख व्यक्त किया है। यूपी के अयोध्या में एक बार फिर बर्बरता। राम मंदिर में सफाई का काम करने वाली युवती के साथ गैंगरेप। राम मंदिर में सफाई करने वाली बीए की छात्रा के साथ गैंगरेप के मामले में सपा नेता रिंकू यादव, प्रदेश सचिव ने भाजपा सरकार में बेटियों सुरक्षित नहीं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दे रहे मंदिर जैसे संस्थानों पर नहीं बच रही बालिकाएं तो क्या है भाजपा राज है। आगे रिंकू यादव, प्रदेश सचिव सपा ने कहा कि भाजपा जंगल गुंडा राज है। उन्होंने इस मामले पर दुख व्यक्त किया है। आप सभी को सादर प्रणाम। अयोध्या राम मंदिर में बीए की छात्रा के साथ जिस तरह से गैंगरेप हुआ है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग करता हूँ, निवेदन करता हूँ। बीए की छात्रा अपना परिवार चलाने के लिए राम मंदिर में साफ सफाई की काम करती थी और उसके साथ गैंगरेप हो गया। अब भाजपा के लोग बताएं कि मठाधीश अपराधी होते हैं कि नहीं होते हैं, और राम मंदिर में गैंगरेप होता है तो इसके जिम्मेदार कौन है, ये भाजपा के लोग बताएं। अब मैं ये बात कहता हूं दावा के साथ कि 95% मठाधीश ही माफिया होते हैं। पीडीए एकता जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद।